मंत्री अरुण जेटली ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज से असंतुष्ट नहीं है। उन्होंने यह एक रिपोर्ट का जिक्र किया है जिसके तहत केंद्रीय बैंक के प्रबंधक और विनियमन हाल के वर्षों में मजबूत और बेहतर हुआ है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की एक रिपोर्ट का उल्लेख किया जिसके अनुसार केंद्रीय बैंक के प्रबंधक और विनियमन हाल में वर्षों में मजबूत और बेहतर हुआ है। 2018 साल के किसानों के मुद्दों ने हिलाई देश की सियासत। एक सवाल कि क्या सरकार RBI के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं है, पर अरुण जेटली ने कहा कि RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल और सरकार के बीच कई मुद्दों पर विवाद रहे थे जिनके केंद्रीय बैंक के रिजर्व का आकार प्रमुख रहा। साथ ही छोटे और मझोले उद्यम को ऋण देने पर भी मतभेद थे और RBI के प्रॉम्प्ट करेक्टिव के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर पर्यवेक्षी कार्रवाई के बारे में मानदंड थे। सरकार और RBI के बीच मतभेद 10 दिसंबर को उर्जित पटेल इस्तीफे के बाद उजागर हुआ था। पटेल इस्तीफा अनुमान के उस समय से लगाया जा रहा था जब सरकार के RBI अधिनियम की धारा 7 के इस